और क्यों काहे? अब ये समाज से परे हो गए। जिस सन्नी कुशवाहा जी की हत्या हुई है, यह एक ऐसा परिवार जो खेती के अलावे जिंदगी में कुछ जानता नहीं, तो खेती के सिवा कोई काम नहीं। और बचपन से ही आपका यह मौत बिना किसी कारण के, बिना किसी परिस्थिति के, और समाज मुखदर्शक बना हुआ। कब तक ये गोंगी बहरी समाज चुप रहेगी? कब तक इन जाति धर्म मजहब के आधार पर यह समाज जिंदा रहेगी? पूरी सिस्टम और व्यवस्था खत्म हो जाए तो एक नई क्रांति की जरूरत होती है, और वह नई क्रांति समाज के बीच से निकलती है। और मुझको लगता है कि समाज मृत प्राय हो गया, मन से विकलांग हो चुका है यह समाज। शरीर से विकलांग तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन मन से विकलांग समाज और देश हो जाए तो फिर पुनर्निर्माण और एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। और मेरा मानना है सन्नी कुशवाहा की हत्या, मैं हत्या डेली देख रहा हूं, कभी 150 हत्या देखता हूं तो कभी दानापुर में 4 हत्या एक दिन में। आखिर पटना माफियाओं की जमीन क्यों तैयार की जा रही है सिस्टम के द्वारा? थाना माफिया नेता का नेक्सस क्या है? जमीन कब्जा करना, शराब बेचवाना, बालू कब्जा उठवाना, या दूसरों के घर का कब्जा करना? क्यों आम आदमी की जिंदगी पसंद नहीं है सिस्टम और नेताओं को? राजधानी में आजाद नहीं है, हमारी बेटी महफूज नहीं है, हमारे परिवार के लोग महफूज नहीं है, तो फिर कहाँ महफूज होंगे? कहाँ हम जिंदगी जी पाएंगे? 72 घंटे के अंदर सरकार को इसके हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहिए, इस परिवार की बच्ची को नौकरी का मैं डिमांड करता हूं। मात्र एक मासूम बच्चा 6 महीना 3 महीने का, 3 महीने का, इसलिए मैं उनकी विधवा बेटी के लिए हम डिमांड करते हैं कि उसकी नौकरी हो और स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा। और पटना को अपराधी माफिया नेताओं के नक्शे से आजाद किया जाए, मैं ऐसा मानता हूं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन किया था, मेरी बातचीत उनके पीए से हुई है, मैं सीनियर एसपी से भी कल बातचीत की और फिर मैं अभी बातचीत करूंगा। जब तक इसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।